नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो आप लोग कौन से स्टॉक्स ले सकते हैं, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो चार्ट एनालिसिस करेंगे और जो भी किस लेवल पे आपको बाय या सेल करना है, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस होंगे, कल सुबह अराउंड 8:30 AM आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। वो लेवल्स आप जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस हम लोगों ने अपना खुद का एक कम्युनिटी चैनल स्टार्ट करा है। कम्युनिटी चैनल के अंदर जो लोग भी आप लोग हैं, जो लोग भी मेरे से पर्सनली मेरे कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछते हैं, या आपके बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो रह जाते होंगे, या फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप लोग अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, अपने चार्ट्स बनाने में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आता है तो वो अपना शेयर करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है, कुछ भी करना चाहते हैं, तो एक चैनल हम लोगों ने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बना रखी है जहाँ पे मल्टीपल पीपल जॉइंट्स हैं और वहाँ पर वो आप लोगों की हेल्प करेंगे और आप लोग भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो एक बेसिकली व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसा ग्रुप बना हुआ है, तो अगर आप लोग भी उस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है डिस्कॉर्ड का, सबसे पहला ही आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्कॉर्ड का एक ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आप मोबाइल में ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप डेस्कटॉप में करना चाहते हैं तो भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर बहुत सारे एक्सक्लूसिव मेंबरशिप बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा जो मैंने पूरी बना रखी है आप लोगों को सिखाने और समझाने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है जिंदल स्टील एंड पावर। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस लेवल से 160 रुपीज के लेवल से हम लोगों ने देखा एक स्ट्रांग मूवमेंट आई है तीन दिन के अंदर ये मूवमेंट आई, उसके बाद दो दिन से ये हॉल्ट कर रहा है, ऊपर के लेवल पे नहीं जा रहा है, प्लस 35 डेज की एक्सपोनेंशियल EMA भी है यहाँ पे जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ, तो इसके ऊपर अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया। तो जब ये कल 192.5 के ऊपर ट्रेड करती है, और जो भी सेफ ट्रेडर है अगर ये 192.5 के ऊपर क्लोज भी कर जाती है कल, अगर आप लोग बाय चांस कल ट्रेड नहीं कर पाते और 192.5 के ऊपर क्लोज कर जाती है, थोड़ा सा ऊपर ही, ज़्यादा ऊपर नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाके क्लोज कर रही है, तो आप लोग यहाँ पर एक फ्रेश बाय पोजिशन बना सकते हैं। और मेरा टारगेट इसमें 205 का होगा एक से दो दिन के अंदर अंदर का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बाय के लिए सलाह दूंगा, जैसा कि ये वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न के मैंने अभी एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों को पूरा इस पैटर्न के बारे में सिखाया था। क्या होता है कि अगर एक शार्प मूवमेंट आ जाती है दो तीन दिन के अंदर अंदर, उसके बाद अगर हॉल्ट करता है, ये एक इनसाइड कैंडल बनाता है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है तो बहुत शार्प मूव आती है, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे और वो अचीव भी हुए थे। तो इसी के ऊपर हम लोगों को बाय करना है, इसी के ऊपर जाएगा, बाय करेंगे, हमारा प्रोबेबली टारगेट ये लेवल के आसपास होना चाहिए। कल के कल तो नहीं आएगा, कल इंट्राडे के लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक आते हैं गेल। सिमिलर पैटर्न गेल में भी बना है, एक 82 से हमने देखा एक शार्प मूव आई, शार्प मूव आने के बाद यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट टाइम नीचे आया, सेकेंड टाइम एक रिवर्सल कैंडल थी, फिर एक शार्प मूवमेंट आई है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट नहीं करना, ये शार्प मूवमेंट का जो ये क्लोज है ना, इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करना, और एग्जैक्ट उसी लेवल पे क्लोज हुआ है। तो कल अगर 88.75 88.8 के ऊपर ये निकलने की कोशिश करता है तो ये प्रोबेबली इस लेवल तक जा सकता है जो इसका प्रीवियस है, जो कि 90 के आसपास आ रहा है, यहाँ तक ये जा सकता है, और 1 से 1.5 रुपये इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत है, ठीक है। इससे भी ऊपर की अपसाइड आ सकती है, बट मिनिमम टारगेट हमारे लिए यही है। अब आते हैं मुथूट फाइनेंस पे। मुथूट फाइनेंस पे जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रोकन हुआ है, प्लस 35 डेज की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर यहां पर क्लोज करा था इसने, वेडनेसडे को, थर्सडे को हॉल्ट करा, सॉरी ट्यूसडे को इसने ब्रेकआउट दिया था, यहां पर मैं क्लियर से दिखाता हूं, ट्यूसडे को 35 EMA के ऊपर क्लोज करा, वेडनेसडे को हॉल्ट करा उसके ऊपर ही, और राइट थर्सडे के दिन लोगों ने इसके ऊपर का भी एक ब्रेकआउट आते हुए देख लिया। तो अब एक फ्रेश बाय पोजीशन बना सकते हैं, अगर कल ये हॉल्ट करता है तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा अब एक फ्रेश बाय पोजीशन बना सकते हैं। ये मेरे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग होल्डिंग्स में भी है जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी करवाया था अराउंड 1135 के आसपास, तो आप लोगों ने बाय करा होगा तो होल्ड कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं करा तो फ्रेश बाय पोजीशन अगर नीचे मिलता है तो आप बाय बना सकते हैं। थर्ड फोर्थ स्टॉक आता है रेमंड।
रेमंड में मैं सेल करने की सलाह दूंगा आप लोगों को। एक स्टॉक है जो सेल के लिए है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, ये देख सकते हैं मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, तो ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट यही रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ से एक शायद फॉल आ सकती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ज़्यादा फॉल आएगी, बट एक फॉल आ सकती है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस हुआ करता था और जब इसके ऊपर गया तो कैंडल की क्लोजिंग, ग्रीन कलर की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली और अब दोबारा नीचे आ रहा है। तो जब इस लाइन के नीचे, ये पर्टिकुलर लाइन के नीचे अगर ये जाता है कल, तो हम लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। और आप लोगों को पूरे टाइम होल्ड करके नहीं रखना है, सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा, हो सकता है कि नीचे जाए और फिर रिकवर भी कर जाए और कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाए, तो इस पर सेल साइड पर आप लोग जल्दी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट स्टॉक आता है अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी इंटरप्राइजेस या तो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी आप लोग देख सकते हैं एक शार्प मूवमेंट आई है, उसके बाद यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, ये देख पा रहे हैं इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अब एग्जैक्ट अपने इस प्रीवियस जो ये कैंडल थी, मैंने आपको बताया था 3-4 दिन के अंदर एक शार्प मूवमेंट आ जाती है जब उस बॉडी के ऊपर क्लोज हो जैसे कैंडल बढ़े, तो हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अभी तक इतने टाइम में एक बार भी इसके आसपास भी नहीं आया एग्जैक्ट, बट आज के टाइम ये आ चुका है अदानी इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर कल हम लोगों को एक शार्प बाइंग देखने को मिल सकती है अगर मार्केट स्टेबल रहती है। क्यों? मैं आप लोगों को एक रीज़न पहले बता देता हूँ गाइस, इन लोग इस स्टॉक्स पे ट्रेड करने के लिए, अगर कल मार्केट नीचे गिरती है तो ये अदानी इंटरप्राइजेस, गेल, जिंदल स्टील, ये थोड़े बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट के हिसाब से चलते हैं और ये अगर मार्केट नीचे गिरना चाहेगी तो ये भी नीचे गिर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले वॉच करना है कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से ही आप लोगों को ट्रेड लेने हैं और कम क्वांटिटी में ट्रेड लेने हैं। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। निफ्टी पे अगर आप देखना चाहें तो यहां पर अगर मैं सिर्फ हाईस को जोड़ते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसका जो टॉप आ रहा है ये लेवल वो आ रहा है 11,450 का। तो हो सकता है कि शायद कल एक गैप अप ओपन हो फिर उसके बाद एक सेलिंग आ जाए 11,450 के ऊपर। जब तक 11,450 के ऊपर हमें कंटिन्यूसली दो दिन की क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, तब तक मैं सोच नहीं सकता कि यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है, हो सकता है कि एक रिवर्सल आ जाए। क्यों? इसके पीछे का रीज़न आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो शार्प मूवमेंट आई, एक रिट्रेस लिया और फिर इस लेवल से ब्रेकआउट दिया, जब दोबारा नीचे आया तो प्रीवियस हाई पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया तो इधर ब्रेक करा, जब नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट लिया। मतलब अभी क्या कर रहा है ये इस लेवल को ब्रेक करता है फिर वही सपोर्ट लेता है, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है फिर वही सपोर्ट लेता है, मतलब हायर हाई हायर लोज बना रहा है। बट यहाँ इसने क्या करा, यहाँ नीचे गया और फिर इस तरीके का बनाना शुरू कर गया, मतलब अब ये लोअर लोस की फॉर्मेशन में आ चुका है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये हायर हाइज बना रहा था, बट अब इस लेवल से ये लोअर लोस लोअर हाइज बना रहा है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर ये ब्रेक नहीं करता, दो दिन सस्टेन नहीं करता, हमारा टारगेट रहेगा 11,600 का, क्योंकि वो प्रीवियस स्विंग हाई है। ठीक है, हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, तो ये नहीं कह रहा कि यहां तक ही चले जाएगा, प्रीवियस स्विंग हाई तक जा सकता है, डबल टॉप बना के दोबारा नीचे आ सकता है, हमें हर सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखना है। तो अब कर क्या सकते हैं कि एक गैप अप है, ये गैप फिल नहीं हुआ तो ये शायद प्रॉबेबली गैप भी फिल होने के लिए आएगा, तो कल अगर ये आता है 11,450 के ऊपर तो आसपास आता है तो आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं 5-10 मिनट के प्राइस एक्शन का, उसके बाद जाके आप लोग यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे हिसाब से निफ्टी पे आप लोग ध्यान से कल ट्रेड करिएगा, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि निफ्टी पे आप लोग कल ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा। बैंक निफ्टी पे अगर आएँ, बैंक निफ्टी पे आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अभी पर्टिकुलर ये अपना 35 डेज का ईएमए क्रॉस करा है, इसके ऊपर क्लोज करा है, बट क्या ये क्लोज सस्टेन करेगा? मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि कोई भी ईएमए हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, उसके ऊपर जब तक दो दिन की क्लोजिंग नहीं हमें देखने को मिलेगी तब तक मुझे भरोसा नहीं होता। तो हो सकता है कि कल ये ऊपर खुला जिस तरीके से भी करा, बट अगर इस 35 ईएमए के नीचे क्लोजिंग कर दे बैंक निफ्टी तो कल एक सेलिंग दोबारा इनिशिएट हो सकती है, मतलब परसों के दिन एक दोबारा सेलिंग इनिशिएट हो सकती है, तो हमें वॉच करना है। बट अगर कल इसी के लेवल के ऊपर ये हॉल्ट कर जाए या फिर ऊपर क्लोज कर जाए तो हम लोग एक बाय इनिशिएट के बारे में सोच सकते हैं। एक रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया तो यहीं पर ही मल्टीपल इसने हॉल्ट करा है, उसके बाद जाके नीचे गिरा है। तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल निकल के आ रहा है 22,700 के आसपास का, ठीक है। तो क्लियरली अगर आप लोग बाय भी इनिशिएट करते हैं तो इससे ऊपर के टारगेट्स को एक्सपेक्ट मत करिएगा, या फिर मैं कहूं तो 22,650 के आसपास आप लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी एनालिसिस, यही वीडियो आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर करती जाएगी अगर आप लोग ज्वाइन हैं वहाँ पे। बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, अगर आप लोगों को उसमें कुछ बेनिफिट लगता है तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी कम्युनिटी पे ज्वाइन जरूर होगा क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग पीपल मिलेंगे जहाँ पर वो आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोग बहुत सारी डिस्कशंस कर सकते हैं। और एक बेसिकली ग्रुप है जिस ग्रुप में हम पूरे स्टॉक मार्केट के बंदे लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम अपना खुद का डिस्कशन कर सकते हैं और हमारी जो क्वेरीज हैं वो वहाँ पर कुछ ही टाइम में सॉल्व हो जाती है। हाँ जी गाइस, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर जाइए और क्लिक करिए, इस तरीके की हमारी वीडियो बनी हुई है जो मैंने अपलोड कर दी है, यहाँ आप देख सकते हैं अराउंड 2500 पीपल्स ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं। ये लिंक है ज्वाइन होने का, टू ज्वाइन आर डिस्कॉर्ड सर्वर, आप इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस नीचे हमारा टेलीग्राम का भी लिंक है, इस लिंक पे भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारी सोशल है, नेटवर्किंग की साइट्स हैं, इस पर भी अगर आप जाएँ तो आप भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।